हेलो फ्रेंड्स, आज यमी फूड एंड लाइफस्टाइल के किचन में बनने वाला है एक यमी सा चिली चिकन। इसके लिए हम लोगों ने ले लिया है 750 ग्राम चिकन, उसमें एक नींबू का रस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देंगे 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मिक्सी के जार में ले लेंगे 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा प्याज और 10 कलियां लहसुन और थोड़ा सा अदरक 1 इंच के करीब, और फिर इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और चिकन में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डार्क सोया सॉस हम लोग 1 चम्मच लेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 अंडा हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। 1 अंडे को हम लोग तोड़ लेंगे। ये अंडा जो है ये कॉर्नफ्लोर और मैदा को बांधे रखेगी चिकन से और चिकन को एक सॉफ्ट जूसी टेक्सचर देगी। हम लोग अब ले लेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा। अगर आप चाहें तो 4 टेबलस्पून मैदा यूज़ कर सकते हैं या 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों को 50-50 ले लिया है। और इसमें 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का दे देंगे। अब तेल बहुत जब गर्म हो जाएगा, एकदम हॉट हो जाएगा, तब हम लोग देंगे चिकन पीसेस, नहीं तो ये चिकन पीसेस जाके चिपक जाएंगे तले में और इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। तो तेल का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कितना हॉट है, या अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए, जैसे मैं अलट पलट रही हूँ तो ये नीचे से चिपका नहीं है, एकदम ठीक है और तेल एकदम क्लीन है। ठंडा तेल मतलब कोटिंग उतर जाएगा। अब 2 टेबलस्पून ऑयल में हम लोग ऐड कर देंगे हरी मिर्च, लहसुन की 10-12 कलियां जो हमने चॉप कर ली थी, 1 शिमला मिर्च, बड़ा सा शिमला मिर्च देंगे। मेरे पास ग्रीन कलर का था तो दिया, और अगर आपके पास और भी कलर की हैं तो आप दे सकते हैं, अच्छा लगेगा वो देखने में। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 बड़ा सा प्याज, जिसका हम लोग ने ऐसे करके उसके परतों को अलग अलग कर दिए हैं। ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम लोग इसमें सॉस डाल देंगे। 2 टेबलस्पून टमाटर का सॉस, टमाटो सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस लिया है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं कढ़ाई में देके भी अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी हम लोग देंगे। देखिए इसके कंसिस्टेंसी को जो है एडजस्ट कर लेंगे, कहीं पतला कहीं गाढ़ा नहीं, एकदम सिमिलर सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब हम लोगों ने थोड़ा सा पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं, स्लरी बना दिया था मैंने। हम लोग को ठंडे पानी में ही कॉर्नफ्लोर डालना था और यहाँ पे जो है चिकन पीसेस को ऐड कर देंगे। ऐड करके थोड़ा सा चला लेंगे, ये देखिए, ताकि सॉस अच्छे से कोट हो जाए चिकन में। और थोड़े से जो है धनिया के डंठल हम देंगे और ऊपर से धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए कितने जल्दी से बन गया हम लोग का चिकन चिली। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।